नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सीधे लेके आपको चलते हैं। याद रखना 16 लाख सरकारी कर्मचारी हैं हमारे पास, लेकिन किसी की कटौती नहीं की। हमने व्यवस्था को अनवरत उसी रूप से आगे बढ़ाया। हमने फिजूल खर्च को पहले वर्ष में रोका, लीकेजेज जितने थे उन सबको मजबूती के साथ रोका, और जहां कहीं भी गुंजाइश होती थी कि यहां पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है, सत्य सत्य उससे निपटने का कार्य किया। उसका परिणाम रहा कि प्रदेश में फ्री टेस्ट, फ्री वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न की योजना का लाभ प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया। और खासतौर पर अन्न योजना का लाभ तो प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग ले रहे हैं। फ्री में वैक्सीन देने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। और आज इसीलिए जब यहां पर इस संवाद का अवसर प्राप्त हुआ है, मेरे सामने बेसिक शिक्षा परिषद ने इन चीजों को यहां पर बताया है। कुछ चीजें जो यहां पर इन लोगों का कहना था, खासतौर पर अनुदेशकों के बारे में और दूसरा रसोइयों के बारे में। अनुदेशकों की संख्या प्रदेश के अंदर वर्तमान में 27,546 है, और ये सभी अपने अपने विद्यालयों में इन लोगों को जहां पर तैनाती दी गई उस तैनाती के अंतर्गत ये लोग अपनी सेवाएं वहां पर प्रदान कर रहे हैं। रसोईया पूरे प्रदेश के अंदर 3,78,000 की संख्या में विद्यालयों में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने में अपना योगदान दे रहे हैं। और वहां पर लेकिन तकलीफें दोनों की थी। एक तरफ अनुदेशक अपनी बात को लेकर के कहते, एक तरफ रसोईया अपनी बात को लेकर अपनी बात कहते हैं, दूसरी तरफ सरकार की अपनी मजबूरियां भी होती हैं। और कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब पूरी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाए उन स्थितियों में तो और भी संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन इन सब की परवाह के बगैर सरकार ने कोरोना प्रबंधन के अपने कार्य को तो सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया ही, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर सभी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया गया। और आज इस अवसर पर जब रसोइयों से जुड़े हुए इस कार्यक्रम को और अनुदेशकों से जुड़े हुए इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ रहे हैं, मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे इसी बात को कहना चाहता हूं जो मांग यहां पर की गई थी। रसोइयों के मानदेय को 1,000 से 1,500 रुपए करने का कार्य भी हमारी सरकार ने 2019 में किया, 18 में किया, और 19 से इसको लागू भी कर दिया गया। और आज इनकी कुछ और मांग है, इसके मानदेय के साथ साथ कुछ और मांग है, इसलिए आज के इस अवसर पर हम लोग कुछ कार्य यहां पर करना चाहते हैं। खास तौर पर एक तो आंगनबाड़ी की तर्ज पर इन लोगों ने ड्रेस की मांग की है, और मैं आज कहना चाहता हूं कि इनको हम इनको रसोईया जितने भी हैं उनको वर्ष में 2 साड़ी बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से इनको उपलब्ध करवाएंगे। एप्रन और हेड कैप का पैसा सीधे रसोइयों के खाते में देने की व्यवस्था परिषद करेगा। रसोइयों से हर एक रसोइया का खाता खुलवाएंगे। हर एक रसोइये को प्रयास होना चाहिए कि हर एक रसोइया को हम लोग 5,00,000 रुपए की स्वास्थ्य बीमा के कवर के साथ भी जोड़े, जिससे उनको यह सुविधा उपलब्ध हो सके। और उसमें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ने की इस कार्रवाई के साथ इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहां इनका लाभ मिलना चाहिए। नवीनीकरण के समय स्कूल में पाले के पढ़ने की बाध्यता के बारे में अक्सर होता था, और दूसरा मनमानापन निकालने की व्यवस्था, गंभीर शिकायत है तो वहां पर एक टीम बना करके उसकी जांच होनी चाहिए, जांच के बाद आप अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, लेकिन मनमानेपन तरीके से नहीं होना चाहिए, अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं होना चाहिए। और इसलिए इसके बारे में विभाग एक बार व्यवस्था कर ले कि विद्यालय में इन चीजों की बाध्यता, भाई कोई गरीब महिला किसी विद्यालय में अगर रसोई बनाने का काम कर रही है उसकी मजबूरी है, उसके घर की व्यवस्था उसी से संचालित भी होती है, इसलिए मनमानापन हटाने की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। पाले की बाध्यता की व्यवस्था के बारे में भी विचार करते हुए किया जाना चाहिए कि यह व्यवस्था न हो, अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उस बच्चों के साथ उसका एक आत्मीय संवाद होता है, उस आत्मीय संवाद को बनाए रखने के लिए उसकी सेवा को हम लोग
आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें, उस इन दो प्रकार की बाध्यताओं को समाप्त करें और प्रतिमा 500 रुपए अतिरिक्त मानदेय इनको बढ़ाने की कार्रवाई आज यहां पर की जा रही है। मैं इस अवसर पर सभी रसोइयों को इस सुविधा के लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यहां पर हमारे पास अंशकालिक अनुदेशक है, अनुदेशकों को अब तक हम लोग 7000 रुपए प्रतिमाह यहां पर देते रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जब आपकी तैनाती की कार्रवाई हुई थी 2009 में और उसके आरटीई के अंतर्गत जब ये कार्रवाई आगे बढ़ी थी, 2013 के बाद से कार्रवाई निरंतर आगे बढ़ती गई, लेकिन बाद में आरटीई के अंतर्गत पहले भारत सरकार ने ही इस पर प्रदेश सरकार के साथ कहा था कि इन चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे, वह व्यवस्था वहां पर एक प्रकार से खंडित सी हो गई। राज्य सरकार को सारी व्यवस्था का भार स्वयं उठाना पड़ रहा है और उन स्थितियों में भी राज्य सरकार किसी भी अनुदेशक की सेवाएं समाप्त नहीं किया, बल्कि उनकी सेवाओं को यहां पर प्रदेश के अंदर बनाए रखते हुए अभी भी उन लोगों को, यानी हमारे पास लगभग 1.25 लाख नए शिक्षकों की तैनाती होने के बाद भी उनकी सेवाओं को आगे निरंतरता बनाए रखने की कार्रवाई सरकार कर रही है और हमारी मंशा भी है कि हम उनकी सेवाओं को लेकर के एक सुविचारित मत लेकर के हम आगे बढ़े, जिससे उनकी सेवाओं में किसी भी प्रकार का कोई अंतर ना आने पाए। और आज के इस अवसर पर जब यहां पर काफी बड़ी संख्या में यहां पर अनुदेशक हैं और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी अनुदेशक वहां पर इकट्ठे हुए हैं, मैं इस अवसर पर जो यहां पर मेरे पास प्रस्ताव आया था उस प्रस्ताव में कुछ और बढ़ोतरी करते हुए हर अंशकालिक अनुदेशक को जो निर्धारित मानदेय है इसमें प्रतिमा हम लोग 2000 रुपए अतिरिक्त वृद्धि उन लोगों के लिए कर रहे हैं, जिससे उनके मानदेय को हम एक सम्मानजनक स्थिति में आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे। इसके साथ ही अनुदेशकों के साथ बैठ करके विभाग इस बारे में एक सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में उनकी सेवाओं को कैसे हम अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकें, जिससे उनके पास एक जॉब की गारंटी हो सके। आप इस बात को देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह जहां पर सरकार ने, तमाम राज्य सरकारों ने मानदेय में कटौती की है, वहीं राज्य सरकार इस मानदेय में बढ़ोतरी का कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी अनुदेशकों को, रसोइयों को एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं आप सब बेसिक शिक्षा परिषद के इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।